गाइस मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, हमारा जो पासपोर्ट है वो 2-3 महीने पहले ख़त्म हो चुका है, 4 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, लेकिन हम जब उसको रिन्यूअल करने के लिए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो डेट है वो अभी क्या आ रही है, 2023 आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आपको पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। सऊदी अरब में हैं आप तो ये खासकर सऊदी अरब वालों के लिए है, सऊदी अरब में आप कहीं पर भी हैं तो आपको पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेना है और वो जो डेट आती है अभी की उसको कैसे आपको डालना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, कोई भी स्टेप को मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं इस मोबाइल से, जो आपके पास मोबाइल है ये, उससे ही मैं अपॉइंटमेंट लेना बताऊंगा आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप देख रहे हैं मिक्स 786 ब्लॉग और आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए गाइज मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आपके लेके चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, बाद में आप मैसेज करके मुझसे पूछते हैं, मैं जवाब तो दे दूंगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दूंगा, आप मुझे वहाँ पर फॉलो करके कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए गाइज मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम मोबाइल स्क्रीन पर आ गए, गूगल में जाइए, यहां पर टाइप करिए आप VSF ग्लोबल, ये आ गया देखिए। अब यहां पर टच करिए, ये जो पहली वाली साइट साइट खुलेगी VSF ग्लोबल, इसको टच करिए आप। जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो नया पेज खुलेगा, ये खुल गई साइट। अब हमको पासपोर्ट सर्विस में जाना है, इसमें दो दो दे रखा है, वीजा सर्विस है, ई सर्विस है और पासपोर्ट सर्विस है। सबसे पहले ऊपर 3 डॉट में जाइए, उसको क्लिक करके ये ब्रैकेट को डेस्कटॉप मोड में कर दीजिए। अब जो फर्स्ट वाला है इसको क्लिक करिए, और यहाँ पर आप सऊदी अरब में हैं तो सऊदी अरब को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर ये बहुत सारे फ्लैग आ जाएंगे, बहुत सारे कंट्री के फ्लैग आएंगे। तो आप एक काम करिए, यहाँ ऊपर लिखिए सऊदी, तो सऊदी में सबसे पहला आ गया सऊदी अरब का, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप किस कंट्री से हैं, हम इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करिए। यहाँ पे जैसे आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे गो पे जाइए, गो पे जाने के बाद एक नया पेज खुलेगा, आप ध्यान से देखिएगा आपको क्या करना है, कोई भी स्टेप को मिस मत करिएगा। अब ये देखिए खुल गया है नया पेज, अब इसको हम डेस्कटॉप मोड में करने के बाद ये देखिए फिर 3 डॉट में जाइए और ब्रैकेट को, अब ये सेकेंड वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको बुक अपॉइंटमेंट, इसको आप क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद ये थर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है बुक अपॉइंटमेंट, इसको क्लिक करना है। तो जो इसके सामने जो दिख रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक नीचे पूरा ये फॉर्म खुल के आएगा, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल के आएगा। देखिए अब जो इसके अंदर रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, ये यहां पे टच करिए आप इसको, जैसे आप इसको टच करेंगे एक नया पेज खुल के आएगा। अब यहां पे लिखा हुआ बुक अपॉइंटमेंट, इसको टच करिए, रीडाट में जाइए और वापस इसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए चाहे तो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको करना है लॉगिन, मेरे पास अकाउंट नहीं है, तो आप इसको नीचे वाले को क्लिक करेंगे ना तो इस तरीके का पेज खुलेगा। अब आप नया एक अपना जीमेल बना लीजिए, अपना जीमेल डालने के बाद इस तरीके का पासवर्ड बनाइए आप, ए बड़ा बी छोटा सी बड़ा, इस तरीके का सेम टू सेम कोई भी नंबर डाल के बना लीजिए, मैंने फॉर एग्जांपल के लिए दिया है। उसके बाद ये ब्रैकेट को टिक करने के बाद आप इसको रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे ये आपके पास मेल जाएगा। अब आपके जो जीमेल डाला है वो जीमेल में जाके आपने मेल को खोलिए, ये वाला आ गया मेल, इसको टिक करिए। अब इस मेल के अंदर ये वाला जो लिंक है इस पर क्लिक करिए,
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नए पेज के ऊपर लेके जाए। अब ये जैसे ही आपका फॉर्म खुलेगा तो यहां पर आपको लॉगिन करना वापस, तो वही जो जीमेल डाला आपने, जब मेल डाला वही मेल डाल के पासवर्ड डाल के इसको साइन इन कर दीजिए। साइन इन करेंगे तो ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा। अब अपॉइंटमेंट डिटेल डालिए। आप अपॉइंटमेंट डिटेल आप कहाँ से कर रहे हैं, जैसे रियाद, दमाम, जद्दा, मक्का, कहीं से भी कर रहे हैं तो इसके अंदर वहाँ का, इसके अंदर वहाँ की जगह को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो ये बहुत सारे आ जाएंगे। आप जहाँ भी रहते हैं देखिए, पूरी जहाँ पे इसके ऑफिस हैं ग्लोबल के, ये आपको पूरा इन ऑफिसों का एड्रेस बता रहा है, रियाद, दमाम, कहीं पे भी। तो आपको यहाँ से वो ऑफिस को सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैं रियाद के अंदर हूँ तो मैं रियाद का सिलेक्ट करूँगा। इसके अंदर रियाद के अंदर दो दे रखे हैं, तो मैं जो है आपको एक फॉर एग्जांपल के लिए करके बता रहा हूँ। आप जहाँ पे भी हैं आप उसको सिलेक्ट करिए। उसको सिलेक्ट करने के बाद ये एक नया पेज खुलेगा। अब यहाँ पे आपको पासपोर्ट सेवा के लिए जा रहे हैं, आप पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे, नीचे पासपोर्ट खुद ब खुद लिखा जाएगा। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिए। ये नीचे दिख रहा है आपको कंटिन्यू, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नए पेज पे ले जाएगा, फॉर्म भरने के लिए बोलेगा। अब यहां पर आपका पूरी डिटेल भरना है। सबसे पहले पासपोर्ट पे देख के आपका जैसा नाम है वो यहां पर डालिए, फर्स्ट नेम की जगह जैसा नाम लिखा वैसा ही डालिए। हाँ, सेकेंड नाम में आपका जो सरनेम रहता है वो डालिए, जैसा पासपोर्ट पे लिखा सेम टू सेम वैसे ही डालिए। सरनेम नहीं लिखा है तो सरनेम मत डालिए। अब यहां पर जेंडर सिलेक्ट करिए, मेल है फीमेल है वो सिलेक्ट कर लीजिए। आप ध्यान से देख लीजिए। हाँ, अब यहां पे कंट्री सिलेक्ट करिए इंडिया, यहां पर देख के कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए इंडिया। उसके बाद ये स्क्रॉल करेंगे आप तो इंडिया आएगा, वहां से इंडिया सिलेक्ट करके इस पर डाल लीजिए। दूसरी बात जो मैं बताऊंगा कि आपको डेट कैसे चेंज करनी है वो बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये इंडिया डालने के बाद अब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालिए आपका। पासपोर्ट नंबर आपके पासपोर्ट के पीछे होगा, वो नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, तो जो पासपोर्ट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी वही डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की, तो जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये 2023 बताएगा या 24 बताएगा या 25 बताएगा। तो आपको क्या करना है ये देखिए, 2023 बता रहा है, 24 बता रहा है, 25 बता रहा, उससे पीछे की डेट नहीं बता रहा, ये पीछे का सन नहीं बता रहा है। तो आपको मैन्युअली भरना है इसको। तो आपके पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो उस पासपोर्ट पे देख के यहां पर आप फिल कर दीजिए, सेम टू सेम वैसे फिल कर दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ पे तो वो डेट बता नहीं रहा, तो ये इसका तरीका ये है। जब आप इसको फिल कर लेंगे वो हो जाएगा फिल, वो कोई मुश्किल नहीं है। ये मैं फिल कर रहा हूं। फिल करने के बाद अब आपको यहां पे अपना सऊदी अरब से भर रहे 966 डालिए, यहां पे अपना खुद का मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे जो ईमेल देना चाहते हैं वो ईमेल डालिए और इसको सेव कर दीजिए। अब जैसे ही आप सेव करेंगे तो अब आपको ये डेट और टाइम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। ध्यान से देखिए, इसको सेव करने के बाद अभी छोड़ के जाइएगा मत वीडियो को कि हमारा फॉर्म तो भर गया अब मैं चले जाऊँ। अभी देखिए ये चॉइस अ स्लॉट, अभी आपको डेट सेट करना है। जो भी आपको डेट अपनी चाहिए वो डेट सिलेक्ट करिए, उसके बाद टाइम सिलेक्ट करिए। नेक्स्ट पेज में आएगा ये, जो भी टाइम आपको सूटेबल होता है वो सिलेक्ट करने के बाद इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक में ऊपर वाले को आप टिक कर दीजिए और इसको कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे कंटिन्यू करेंगे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। अभी आपका अपॉइंटमेंट, ये होम पे चले जाइए। अब आपका अपॉइंटमेंट आपके जो ईमेल है उसको खोलिए, वहाँ पे एक मेल आया होगा,
वहां पे मेल पे जाके आप इसको प्रेस करिए, तो इस तरीके का आपका ये पूरा अपॉइंटमेंट आ जाएगा। अब आप इसको मोबाइल में सेव कर लीजिए या पीडीएफ निकाल लीजिए, ये दोनों काम कर लीजिए। मोबाइल में सेव करेंगे वहां जाके बताएंगे तो भी चलेगा, पीडीएफ निकाल रहे हैं तो उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए कॉपी। अब एक बात और गौर से सुनिए, अगर आपको पूरा फॉर्म भरना है तो आई बटन में मैं लिख दूंगा, उसमें A to Z जानकारी दे रखी है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, कितने दिन में पासपोर्ट आएगा, सब कुछ दे रखा है, कितने पैसे लगेंगे, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब एक बात और सुन लीजिए, अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तो ये आप अपॉइंटमेंट लीजिए, वहाँ पर आप जाइए, अपॉइंटमेंट दिखाइए, अंदर जाइए, वहाँ पर फिलिपिनी या सऊदी रहते हैं, आपको कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं, वो 35 से 40 रियाल लेते हैं, फ़ोटो भी वहीं खींच लेते हैं, फ़ोटो कॉपी वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, वो फॉर्म भी भर देते हैं, बस सिर्फ आपको वहाँ जाके पैसे जमा करना है। अब इसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद ले सकते हैं पासपोर्ट, या आप अपना एड्रेस जो फिल करेंगे उसके अंदर, वो 5 से 7 दिन में आ जाता है। इसके अंदर मैंने पूरी जानकारी दे रखी, वीडियो लास्ट में डाल दूंगा, आप चाहें तो उस पर भी देख लीजिए। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ भाइयों को बहुत परेशानी होती है फॉर्म भरने के लिए, उन भाइयों के लिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आप बिल्कुल मत घबराइए, अपना पासपोर्ट लेके वहाँ जाइए, वहाँ पे आपका सब कुछ फिलअप कर देंगे, बाहर मत करवाइए, आप अंदर जाइए, अंदर रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं वहाँ पे, वो खुद फिलअप कर देंगे, सब फॉर्म फिलअप कर देंगे आपका। दूसरी बात, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है तो वो भी मैं लास्ट में वीडियो में डाल दूंगा लिंक, आप देख लीजिएगा उसको भी, कैसे आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है। चलिए दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो भी हमारे भाई सऊदी अरब के अंदर हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।